गन पॉइंट के उत्ते एक पेट्रोल पंप से लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। दस दिए कि गन पॉइंट से 27,000 रुपए पेट्रोल पंप के करिंदिया तो लुटे गए हैं। तो घटना सीसीटीवी के विच भी कैद हुई है। हालांकि जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लुटेरे सी वो एक कार दे विच सवार होकर आए सन। रात नू 12:30 बजे का समा सी अते उन्होंने पहला आउंदे ही पुछया कि बाथरूम किधरले पासे, पर जिवें ही उन्होंने करिंदिया ने बाथरूम का इशारा दिता कि इस तरफ है तो दूजे पासे उन्होंने जाने की थान सीधा कैश रूम दे विच ही वड़ गए। अते उत्थे जाके जदों करिंदिया दे वल्लों विरोध किया जाण लगा तो उन्होंने गन कट ली अते गन दिखा के उन्होंने बंदी बना लिया अते जिस तों बाद उन्होंने काउंटर दे विच रखे 27,000 रुपए कैश लुट के मौके तो फरार हो गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कार थी अपनी पेट्रोल पंप तो बाहर एक तरफ खड़ाई हुई सी ते उत्थों थी वह मौके तो फरार हो गए ने। हालांकि घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरां दे विच साफ देखा जा सकता है कि कैश रूम दे विच दो बदमाश एंटर हुंदे ने ते काउंटर जो है उसका खोलिया जाता तो उसके कैश लेके मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना यह नैशनल हाईवे की दसी जा रही है। नैशनल हाईवे के उत्ते पेट्रोल पंप पैंदा है। सोनीपत तो यह मामला सामने आया है। और रात को हम ड्यूटी पे थे और बस 12:30 बजे कार आई पेट्रोल पंप के साइड में खड़ी हुई और उसमें से दो लड़के निकले और उन्होंने बोले बाथरूम किधर है। हमने बाथरूम का इस बाथरूम की तरफ इशारा करे तो वो कैश रूम की तरफ आए। कैश रूम की तरफ आए तो हम फिर एक बंदा बाहर से वो बाथरूम बताने के लिए आया। उसके पास भी कैश था और उसने उस उन्होंने दोनों को गन दिखा के तो गन पॉइंट पे रख के तो तुम्हारे पास जितने गाली वाली दे के पैसे निकाल के 27,000 रुपए उन्होंने छीन के ले गया। दोनों के हाथ में गन थी। कार में थे। स्विफ्ट कार कुछ खड़ी थी दूर थी उसके पीछे साइड में भाग गए चढ़ के गए वो भाग के गए फिर हम पीछे से हम भी दौड़े और उन लोग अपने कार में चढ़ के निकल गए। गन पॉइंट के उत्ते एक पेट्रोल पंप से लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। दस दिए कि गन पॉइंट से 27,000 रुपए पेट्रोल पंप के करिंदिया तो लुटे गए हैं। तो घटना सीसीटीवी के विच भी कैद हुई है। हालांकि जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लुटेरे थी वो एक कार दे विच सवार होकर आए सन। रात नू 12:30 बजे का समा सी अते उन्होंने पहला आउंदे ही पुछया कि बाथरूम किधरले पासे, पर जिवें ही उन्होंने करिंदिया ने बाथरूम का इशारा दिता कि इस तरफ है तो दूजे पासे उन्होंने जाने की थान सीधा कैश रूम दे विच ही वड़ गए। अते उत्थे जाके जदों करिंदिया दे वल्लों विरोध किया जाने लगा तो उन्होंने गन कट ली अते गन दिखा के उन्होंने बंदी बना लिया अते जिस तों बाद उन्होंने काउंटर दे विच रखे 27,000 रुपए कैश लुट के मौके तो फरार हो गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कार थी अपनी पेट्रोल पंप तो बाहर एक तरफ खड़ाई हुई सी ते उत्थों थी वह मौके तो फरार हो गए ने। हालांकि घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरां दे विच साफ देखा जा सकता है कि कैश रूम दे विच दो बदमाश एंटर हुंदे ने ते काउंटर जो है उसका खोलिया जाता तो उसके कैश लेके मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना यह नैशनल हाईवे की दसी जा रही है। नैशनल हाईवे के उत्ते पेट्रोल पंप पैंदा है। सोनीपत तो यह मामला सामने आया है। और रात को हम ड्यूटी पे थे और बस 12:30 बजे कार आई पेट्रोल पंप के साइड में खड़ी हुई और उसमें से दो लड़के निकले और उन्होंने बोले बाथरूम किधर है। हमने बाथरूम का इस बाथरूम की तरफ इशारा करे तो वो कैश रूम की तरफ आए तो हम फिर एक बंदा बाहर से वो बाथरूम बताने के लिए आया। उसके पास भी कैश था और उसने उस उन्होंने दोनों को गन दिखा के तो गन पॉइंट पे रख के तो तुम्हारे पास जितने गाली वाली दे के पैसे निकाल के 27,000 रुपए उन्होंने छीन के ले गया। दोनों के हाथ में गन थी। कार में थे। स्विफ्ट कार कुछ खड़ी थी दूर थी उसके पीछे साइड में भाग गए चढ़ के गए वो भाग के गए फिर हम पीछे से हम भी दौड़े और उन लोग अपने कार में चढ़ के निकल गए।